खाएंगे, अकेले बनेंगे तो फिर यही होगा। एक समय था डिप्टी सीएम नहीं दे रहे थे, बाद में ऐसा समय आया कि थाली में परोस के घूम रहा है कि डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। आज मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी की बैठक थी, उसमें मुकेश सहनी तमाम बातें कर रहे थे बीजेपी से लेकर, साथ ही नीतीश कुमार पर भी हमला बोले, मगर साथ ही बीजेपी को यह भी कहे कि हमें अगर ज़रूरत रहता तो बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को धोखा दे देते एनडीए में रहते हुए, जब 125 सीटें आई थी उस समय धोखा देते, मगर हमने उस समय नहीं दी और हमने पीठ में खंजर नहीं मारा है, हम सीने में खंजर मारेंगे। और साथ ही चिराग पासवान को लेकर भी बातें की, बोले कि चिराग पासवान को उकसा करके किस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का जो प्रयास किया है, ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी की रणनीति थी। ऐसी तमाम बातें लगभग 20 से 22 मिनट तक मुकेश सहनी लगातार बोलते रहे और साथ ही अपनी सहनी समाज को लगातार प्रेरित करते रहे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और झारखंड में रणनीति बनाने के लिए। इन तमाम बातों को अभी सुनेंगे कि क्या कुछ बोले हैं मुकेश सहनी इन तमाम कुछ मिनटों में, लगभग 22 मिनटों में, सुनेंगे इस वीडियो में। मिश्रा का बेटा नरेंद्र मोदी जी होंगे और हम लोगों ने भी उम्मीद किया कि हाँ हमारे शायद अच्छे दिन आने वाले हैं और हमने भी उनको लाल कृष्ण अडवाणी जी को जगह पीछे करके और एक अति पिछड़ा को बेटा को उन्होंने आगे किया और देश के सरकार में आए अपने राज कर रहे। और इसका परिणाम क्या मिला है, आज वर्षों से निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन हमें नहीं मिला, लेकिन 10% सामान्य आरक्षण 72 घंटे में हो गया। हम किसी आरक्षण के विरोध नहीं करते हैं, हमारा मानना है कि देश के खजाना हो या राज्य का खजाना हो उसमें सबसे पहला अधिकार गरीब लोगों का हो, और गरीब लोग हर जाति धर्म में है, हर किसी को सम्मान मिले। अगर ऊंचे जाति में अगर 8 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर गरीब है तो क्या निषाद समाज में 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना साल का कमाने वाला व्यक्ति क्या गरीब नजर नहीं आ रहा है, वो भी गरीब है। हम लोग तो कहते हैं कि देश में जाति का जनगणना कर लीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उतना उसको हिस्सा दे दीजिए, उनको उतना आरक्षण दे दीजिए, वही आरक्षण आर्थिक आधार पर ही फॉर्मूला बना दीजिए कि मैं 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति को ही गरीब माना है तो मुझे आरक्षण लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज 65,000 रुपया सालाना कमाने वाला, तकरीबन रोज का 2300 रुपया कमाने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी के बुक में वो गरीब नजर आते हैं, लेकिन 300 रुपया रोज कमाने वाला 9,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी को गरीब नजर नहीं आ रहा है। तो हम सभी को मजबूती से सोचना पड़ेगा कि अगर आप आगे बढ़ के जीत सकते हैं तो आपको आगे बढ़ना है, अगर आप आगे बढ़ के नहीं जीत सकते हैं तो आप जिसको जिता सकते हैं उसको आगे बढ़ाइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ा के जीत लिया। अगर लाल कृष्ण अडवाणी जी के नाम पे है तो देश में सरकार उनका नहीं बनता, और आपने देखा 2004 में एक सांसद बना देता था और जो कहता था वही हमारा नेता सुनता था, वही बोलता था, और ये भी सच्चाई है और ये हमेशा होगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या सांसद हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो कहेगा वही होगा, या जेडीयू का हो या बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, जो पार्टी के सुप्रीमो कहेगा वही होगा। यहां तक वीआईपी पार्टी की बात कर लीजिए, जो हम चाहेंगे वही होगा, आज हम जो आदेश करेंगे वही होगा। आज 4 विधायक है तो थोड़ा विधायक की भी अपनी बात को रख देते हैं, लेकिन ये 40 होगा तो शायद नहीं रखेंगे। आज पार्टी सत्ता में पावर में आया, हम चुनाव हारने के बाद भी पार्टी में सरकार में आज हिस्सेदार बनके आज मंत्री बने हैं, ये पार्टी का ताकत है। पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के जो वोट है, जो सपोर्टर है, उनके दम पे चलता है, ना ही विधायक और मंत्री के दम पर या सांसद के ऊपर पार्टी चलता है। विधायक मंत्री सांसद आते जाते रहेंगे, कोई परमानेंट नहीं है, इस बार टिकट मिला तो 2025 में क्या उनको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पार्टी के साथ ईमानदारी से भरोसे के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करता हूं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे लोगों को जब नहीं रहते हैं तो उनके परिवार को लोगों को भी टिकट देने का निर्णय पार्टी लेता है। आज जैसे मैं बोछा के विधायक
हमारे स्वर्ग श्री मुसाफिर पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जितना भी समय रहे पार्टी का वफादार सिपाही बनकर रहे और पार्टी के बारे में हमेशा सोचते रहे। उनके लोगों ने उनके बारे में उनके लिए बहुत लोभ लालच दिए, लेकिन कभी भी उस लोभ लालच में फंसे नहीं और पार्टी के भरोसे से उन्होंने खड़ा उतरने का हमेशा काम किया। आज मेरा भी दायित्व है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा दायित्व है कि उनके परिवार के साथ मजबूती से हम खड़ा रहे। तो आने वाले समय में भी हम उनके परिवार के साथ रहेंगे। आज उनके सुपुत्र अमर पासवान जी आपके हमारे बगल में हैं और हम जब भी जब तक हम लोग भारतीय राजनीति में रहेंगे, बिहार की राजनीति में रहेंगे, जब तक अमर पासवान जी ईमानदारी से हमारे साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी निष्ठा हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के साथ रहा और उनके बदौलत आज हम उनके परिवार के साथ खड़ा है और जब उनके परिवार भी निश्चित तौर पर हमेशा खड़ा रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। तो यही चीजें आज आप देखिए कि आज हम कमजोर हैं, कमजोर तो लोग हमें समझ रहा है, सच्चाई तो यह है कि हम कमजोर नहीं है। निषाद समाज बिहार में सोया हुआ शेर था, अब जम चुका है, वो अपनी हक और अधिकार कैसे लेना उसको पता है। दुनिया का कोई लोग लालच नहीं है कि मुकेश सहनी को झुका सकता और खरीद सकता है। हमारे विचारधारा स्वतंत्र है, हम उस जगह पे जन्म लिए हैं जहां हजारों समस्या जन्म लेता है। हम ऐसे जगह पे जन्म लिए जहां पे हमारे माँ बाप गरीबी की जिंदगी जी रहा था, पिताजी मछली मारता था, ऐसे घर से जिंदगी जिए हैं और उसके बाद भी हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हमने किया है। कभी भी हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़के मैंने नहीं देखा है। गरीबी से उठकर मुंबई जैसे शहर में जाकर वहां पे मैंने अपने साम्राज्य को कायम कर लिया। बिहार में मैं आया और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इग्नोर कर रहा है। ये तो सही है कि आपका घर और आपके परिवार का फ्यूचर और उसके बारे में फिक्र करना आपका कर्तव्य है। दूसरा कोई नहीं चाहेगा कि आपका घर अच्छा रहे, आपके घर में बच्चे पढ़ लिख ले, काबिल हो जाए, अच्छा नौकरी पा ले, वो अच्छे तरीके से रहे, वो कोई नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि ये घर कैसे कमजोर रहे और इसका यहाँ पे हम अपना दबदबा कैसे कायम रहे। तो आज बिहार हो या देश, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगा कि वीआईपी पार्टी आगे बढ़े, लेकिन वीआईपी पार्टी को एक अच्छे रणनीति के साथ, एक अच्छे सूझबूझ के साथ, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और वो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी लॉन्च किया। आज मजबूती से उत्तर प्रदेश के निषाद भाई को हमने दिल को जीता है और बड़े में निषाद समाज वीआईपी पार्टी की ओर देख रहा है और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो लड़ाई है उसका अंजाम जो है, उनकी एंड जो है वो दिल्ली में होना है और बिहार से दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश होकर अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमारे लिए बहुत नजदीक है कि हम उत्तर प्रदेश मतलब नोएडा पहुंच जाएंगे और नोएडा से दिल्ली चढ़ाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना है और उत्तर प्रदेश में भी निषाद भाई मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। उसके बाद हमने अभी 11 मार्च को पार्टी लॉन्च हम झारखंड में करने की तैयारी कर रहे हैं और एक साथ में हम किसी से गठबंधन करेंगे, तीन राज्य का एक साथ में सिंगल सिंगल कहीं पे किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, वरना 150 सीट पर अकेले लड़ने का ताकत रखेंगे। क्या होगा, लड़ेंगे हारेंगे, लड़ेंगे हारेंगे, लेकिन एक ना एक रोज तो जीतेंगे। और आपने देखा ना भाई, हमने 2019 में लड़ा, हार गए, फिर लड़े 2019 में उपचुनाव, फिर हार गए, लेकिन एक ताकत तो दिखा दिए कि 15% वोट बोलते नहीं है, है। और उपचुनाव में 15% वोट, 25,000 वोट लाके सिमरी बख्तियारपुर में लाके दिखा दिया। विशेष तौर पे हम धन्यवाद करते हैं सहरसा जिला के सभी निषाद भाई को और खास करके सिमरी बख्तियारपुर के भाई को कि उन्होंने 25,000 वोट लाके दिखा दिया। और आपके पास वोट है तब 2020 में आप जब अकेले चुनाव लड़ने के लिए गए तो आपको इन्विटेशन देके आपको बुला के आपको गठबंधन में लिया गया कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि आप अकेले लड़ जाएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगा, तो आपसे डरा और आपको गठबंधन में लिया। यही नीति के साथ हमें चलना है। हो सकता है अभी उपचुनाव आने वाला है, साथ आया, अभी जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है, अरे भैया आपका गठबंधन मेरा बिहार में है और बिहार में आप सबके साथ है ना, बिहार में आप राज्यसभा का सीट था, सुशील मोदी जी को हमने मदद किया, एमएलसी का चुनाव था, मैंने जेडीयू और बीजेपी को मदद किया, चुनाव जीत के गया,
राज्यपाल का भी 12 सीट था, उसमें वीआईपी पार्टी को 2 सीट आपको देना चाहिए था, क्योंकि सरकार बनने के बाद राज्यपाल कोटा से भर्ती हुआ है, लेकिन आपने निषाद को इग्नोर किया, वीआईपी पार्टी को इग्नोर किया, हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद बिहार में उपचुनाव हुआ, वीआईपी पार्टी मजबूती से आपके साथ था और लड़ाई लड़के दोनों सीट हमने जीत के दिया है। उसके बाद अभी हमारे बोचान उपचुनाव होना है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स हम लड़ेंगे। भैया कुछ तो ईमानदारी रखिए, ये सीट वीआईपी का है और आप बोल क्यों रहे हैं, बोल रहे वही गुनाह कर रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी कहीं झुकने वाला नहीं है, वीआईपी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेगा, अगर बिहार में एनडीए है तो साथ देंगे, वरना सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, वीआईपी पार्टी 1% भी झुकने वाला नहीं है। हमने क्या कहा, उत्तर प्रदेश पार्टी लॉन्च किया उसी समय में एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री को हमने इशारा किया कि आप हमारे आरक्षण पे विचार कीजिए, और वही नीति से उत्तर प्रदेश हम काम कर रहे हैं। भाई आपको गठबंधन नहीं करना है, निषाद को आरक्षण नहीं देना है, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वहां पे हमारी ताकत कितना है हमें भी पता चल जाएगा, हमारे पास ताकत है या नहीं है वो पता चल जाएगा, इसमें आपको आपत्ति किस बात का है। भाई आप कुछ नहीं कीजिएगा और मैं आपको समर्थन दे दूंगा तो फिर मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा का क्या, आप आरक्षण का घोषणा खाली कर दीजिए। खाली माननीय प्रधानमंत्री जी रोज 8 बजे आते हैं और कुछ ना कुछ बोल के जाते देश को, तो आज आप ही उत्तर प्रदेश में निषाद का ताकत चाहिए, निषाद का वोट चाहिए, तो रात को 8 बजे आ जाइए और बोल दीजिए कि निषाद का आरक्षण 2024 से पहले करेंगे, हम आपके वादा पे जाएंगे और आपके लिए मदद कर देंगे, एक भी कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, आपके समर्थन में आ जाएंगे। आप वादा भी नहीं कीजिएगा, खाली बंद कमरा में वादा कीजिएगा कि भाई हम आरक्षण करेंगे। आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2015 में भी वादा किया था कि मुकेश जी हमारे साथ आइए हम आपको आरक्षण करेंगे, आपने नहीं किया। 2017 तक आपको उत्तर प्रदेश में मदद किया, उसके बाद भी आपने नहीं किया, फिर मैंने दूसरा रास्ता को चुना। 2020 में भी गठबंधन करने से पहले आरक्षण पे हमने चर्चा किया, अभी भी 2021 में भी जनमार्च में हम मिले तो आरक्षण पे गठबंधन चर्चा किए, उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए हम करेंगे, लेकिन कम समय आएगा। आपकी सरकार देश में केंद्र में 7 साल हो चुका है बनके, अब कब इंतजार कीजिएगा, 8वां साल चल रहा है। 2014 में जब राजनीति का एबीसीडी नहीं पता था, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमें लिखकर आश्वासन दिया कि हम आपके आरक्षण पे काम करेंगे, वीडियो बना हुआ लिखा हुआ मेरे पास आज भी पेपर जमा है कि उन्होंने वादा किया था, लेकिन आपका वादा कहां गया, आपके 14 में भी मदद किए, 15 में मदद किए, उत्तर प्रदेश 17 में किए, आपने काम नहीं किया। तो मैं स्वतंत्र हूं अपनी पार्टी को विचारधारा को पूरे भारत में पहुंचाने का, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको रोक के दिखा दीजिए, लेकिन आप उसको नहीं रोकेंगे। आप खाली निषाद के बेटा को कमजोर समझिए, आप उनको परेशान करेंगे कि एमएलसी नहीं दोहराएंगे, अरे भैया मेरे को आप भीख नहीं देंगे। पूरे बिहार को पता है जब आपसे गठबंधन हुआ तभी 11 सीट और 1 एमएलसी पे गठबंधन हुआ था, और एमएलसी 1 का मतलब हुआ 6 साल, और 6 साल को आपको पूरा करना है, कोई मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, और उसका भी मुकेश सहनी परवाह नहीं करता है, आप एमएलसी बनाइए नहीं बनाइए मुझे उसका परवाह नहीं है, मंत्री पद आज है कल रहेगा मुझे उसका परवाह नहीं है, हम जो वादा किए अपने समाज के लिए, जो हमारा विचारधारा उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके अलावा कहीं पे भी कोई समझौता नहीं। आप आगे बिहार में भी आप सीट नहीं दीजिए, गठबंधन नहीं होगा, अकेले हम लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रहे हैं हम, तो 2024 में भी अकेले लड़ेंगे, अगर आरक्षण नहीं करेंगे तो 2024 में भी अकेले लड़ेंगे, या 25 सीट पे 20 सीट पे पूरे भारत में गठबंधन करेंगे, और हमें पता है कि जिस रोज हमारे दिल्ली में 20-25 सांसद होगा उस रोज हम अपने काम करा लेंगे, अब हम किसी के पीछे भीख मांगने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर देश के प्रधान आप हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि आप काम कर दे, और आपका दायित्व भी है कि काम करना, क्योंकि आप इसी काम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज बताइए बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बिल्डा नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी निषाद के 2 उपजाति को आरक्षण है, बिल्डार और हमारे मझवार का आरक्षण है, बाकी आरक्षण नहीं है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण है, नहीं है, लेकिन आपने भारत में राम जिस नाम से हो सबको आरक्षण है, पासवान जिस नाम से हो पूरे भारत में उसको आरक्षण है,
यहाँ तक अभी सामान्य वर्ग में राजपूत हो या ब्राह्मण हो या भूमिहार हो, जिस नाम से जाने जाए, कहीं पे चौहान नाम से जाने जाते, कहीं पे झा नाम से जाने जाते, या कहीं पे चौधरी के नाम से जाने जाते, जिस नाम से जाने जाते हैं उनको आप आरक्षण दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है आरक्षण, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों के दम पर आज ये पार्टी यहाँ पे पहुंचा है। आप लोग जिस विचारधारा को लेके चले हैं उस विचारधारा को लेके चलते रहना है, क्या होगा। अरे भाई, पहले तो जब हम जीरो थे, जीरो से हम लड़ाई स्टार्ट किए और आज हीरो हो चुके हैं। अब ये किसी का ताकत है कि हीरो से कोई जीरो कर दे। जब तक हम ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करेंगे, क्या होगा। 24 लोग एमएलसी का चुनाव होने वाला है। निषाद समाज तो इतना जागरूक है कि कम से कम अपने जिला का, अपने समाज का वोट तो ले ही सकता है ना। यही 10% वोट होगा। हम अपने समाज का वोट लेकर, और जब हम अपने लोगों को लेंगे वोट, तो निश्चित तौर पे जो निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों को हारना पड़ेगा। जब हारेंगे 24 में से 20 हारेंगे, तब वो अगली बार सोचेंगे। आपका सम्मान, आपका अधिकार तब देगा जब आप सही से लड़िएगा। नहीं तो आपको तो सोचेगा, अरे ये मुकेश सहनी है, अरे झुक जाएगा एक एमएलसी, अभी इसका बाकी है कोटा, क्योंकि वो फंसा है, एक रणनीति के तहत फंसा है। जबकि वो चाहते तो 6 साल का एमएलसी दे सकते थे राजपाल कोटा से, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। जबकि इसके लिए हमारा बहुत टकराव हुआ, तो दिल्ली से हमें फोन आया गृह मंत्री जी का कि क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है। अरे मैं बोला, भाई आप पे भरोसा है, देश के गृह मंत्री हैं, कैसे नहीं आप पे भरोसा रहेगा। तो नहीं तो आप 15 महीना है तो 15 महीने का नॉमिनेशन कीजिए, अगली बार रिन्यूअल होगा। मतलब चलिए कोई बात नहीं है, जब देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो बात मान लेते हैं। तो एक रणनीति के तहत फंसाए हैं। आज हमारे विभाग में पीडब्ल्यूडी या नगर विकास मंत्री मंत्रालय और मिलना है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, एक रणनीति के तहत नहीं दे रहे हैं। तो भैया ठीक है, समय आएगा, एक नहीं दे रहे, इसके बदले 4 लेके रहेंगे। आप एक नहीं दे रहे ना, वही जगह माझी जी को 2 मंत्रालय मिल गया, क्योंकि नीतीश जी को देना था, नीतीश जी ने ईमानदारी से उनका जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा कर दिया, 2 मंत्रालय दे दिया, और हमको एक दिया और एक रोक के रखा है। हमको बोलता है कि नाम दीजिए। अरे भाई नाम क्यों दें, पहले मंत्रालय हमारे विभाग को, हमारे पार्टी को पहले सूचित कीजिए, फिर हम जो नाम देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका घोषणा करेगा। ये हमारे पार्टी फोरम पे चलेगा ना कि हम मंत्री, सेकंड मंत्री किसको बनाएंगे, ये आप कौन होते डिसाइड करने वाले। अब वो क्या करते हैं, तीनों विधायक को बुला के, चारों विधायक को अलग अलग से बोलते हैं, हम आपको मंत्री बना रहे हैं, हम आपको मंत्री बना रहे हैं। जब हम नाम लिख के देंगे, एक का एक ही नाम देना है, तो तीनों को बोलेंगे, लेकिन अपना नेता आपको नाम नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, जो नाम दिया उसी को हम बनाए, यानी कि जो हमारे घर में जो विधायक है उनसे लड़ाई लगाएंगे, और जिसको कर देंगे उसको बोलेंगे कि हम ही तो करवाए हैं। क्या इतना निशा समाज पूर्वक हो गया क्या। अरे भाई पहले मंत्रालय हमारे विभाग में दो, उसके बाद हम अपने विधायक के साथ बैठेंगे, विमर्श करेंगे, और वहां पर हम डिसीजन लेंगे नाम को, फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको घोषणा करेगा किसका मनाएंगे। ये पहले वाला निषाद नहीं है, ये जनक वाला गरीबी से और अमीरी से दोनों से निकल चुके हैं, और अभी हमें अपने समाज के लिए जीना है। मुकेश सहनी के लिए कोई अभी हमारे, और मुकेश सहनी को परेशान करना है ना, तो मुकेश सहनी को अकाल है तो आप खुद बोले ना, हमारे समाज से बुलवाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को भी निर्णय लेना आने वाले समय में, लेकिन खुद नहीं बोलते, दूसरे से बोलवाते हैं, और दूसरा मतलब अपने समाज, अपने भाई, अपने बेटा से बोलवाते हैं, हम भी उसके बारे में ज्यादा क्या बोलें। तो आज ये रणनीति के तहत हो रहा है। तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारे मित्र हैं, और शायद ये 20 साल तक रहेंगे या 30 साल तक रहेंगे, लेकिन वो हमेशा कोशिश करेंगे मुकेश सहनी को खत्म करने का, और हम हमेशा उससे बचने का काम करेंगे। आपने देखिए ना, हिंदू सम्राट शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उसके साथ क्या किए। एक समय था महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए शिवसेना को उंगली पकड़ के वहां पे अपने आप को साबित हुआ, और एक समय आ गया तो देखिए किस तरीके से उसको मजबूर कर लिया, और आज वो कांग्रेस के समर्थन में अपने महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं।
बंद कमरे में ढाई ढाई साल का पहले बात कर लिया और उसके बाद जब सरकार बहुमत में आया तो बोला कि हम नहीं बात किए। क्या आपको लगता है बाला नीतीश कुमार जी के समय में, अटल जी के समय में गठबंधन हुआ और किस तरीके से पीछे पीछे चल रहे थे और एक रणनीति के तहत किस तरीके से जेडीयू को कम कर दिए, चिराग पासवान जी को उसका के और सब जगह चुनाव लड़वा दिए और खुद के जगह चुनाव नहीं लड़ा, आज हमारे जगह भी लड़वा के 4% कम कर दिए, आज हमारे जगह नहीं लड़ते तो 4-5 विधायक और होता हमारा। और जब गठबंधन की बात हुआ उस समय हमें कहा कि 11 सीट पे कम्प्रोमाइज कीजिए क्योंकि हमें चिराग पासवान को भी एडजस्टमेंट करना है, हमने कहा कोई बात नहीं जब चिराग पासवान जी को भी एडजस्टमेंट करना तो निश्चित तौर पे थोड़ा कम लेके चलेंगे, नहीं तो हम 25 सीट से मानते कम नहीं मानते। आपने कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया कि आपने कहा कि हम चिराग पासवान को लेके इसलिए आपको सीट कम दे रहे और इसलिए हमने कम्प्रोमाइज कर दिया। अगली बार भैया बिहार में 15% हमारे पास वोट है, 45% जिसके पास वोट होगा उसकी सरकार बनेगा। अब 45% यानी कि 243 सीट का 3 हिस्सा कीजिए, कम से कम 81 सीट आपका हिस्सा बनता है, तो अगली बार तो कम से कम 81 सीट का दावेदारी पेश करेंगे क्योंकि आपको मजबूती से 15% वोट का ताकत बना लेना है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 121 सीट ली है, कितना परसेंट उनके पास वोट है ये आप सबको पता है, तो आपको भी 15% वोट को इकट्ठा कर लीजिए और अगली बार 81 सीट लेंगे, नहीं 81 कम से कम 50 तो होगा ही होगा, और नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे। एक हम लोगों को गांव में कहावत है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे भैया बिहार में अगर मल्ला तो बेटा वो खाने नहीं दोगे, भूखे रखोगे तो हम भी तुमको खाने नहीं देंगे क्योंकि हमें अपना ताकत मुझे पता है। आज तक आपसे एक विधायक एक सांसद का समझौता इसलिए करता था क्योंकि उनको उनके ताकत नहीं पता थी, जैसे हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका पे चढ़ाई कर लिया ना, पहले उनको नहीं पता था कि 7 समुद्र पार कर सकता था, बाद उनको मुनि महात्मा ने बताया कि तुमने वो शक्ति है कि 7 समुद्र पार कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप में वो शक्ति है कि आप अपने अकेले दम पर बिहार में सरकार बना सकते और विकास का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे 2025 में हो या 2030 में हो या 2035 में। इन भाई किसको है भाई, पेड़ किसका छूट रहा है, हम नहीं बनेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा, हम मुख्यमंत्री सोच के पूरे बिहार में जन्म लिए हैं, हम तो गरीब घर में जन्म लिए हैं और हम अपने संघर्ष करते रहेंगे तो आगे पहुंचेंगे। आज हमने संघर्ष किया अपनी जिंदगी में तो मुंबई जैसे शहर में मैंने अपने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, बिहार में भी 6-7 साल संघर्ष किया और बिहार में देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, लोग हमें क्या ललकारेगा, हम तो कहते हैं कि अगर आपको लगता तो अलग से सरकार कर लो। भाई बिहार में जब सरकार बना ना तभी बिहार में एनडीए के पास 125 विधायक था और 125 में 4 बीजेपी का था और 122 में सरकार बनता है, उस समय अगर मैं बेईमानी करता तो शायद सरकार नहीं बनता। हम और माजी जी अगर बेईमानी कर लेते डिप्टी सीएम का ऑफर आता था, सब मंत्री सब विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर आता था, 12 MLC बनने था उसमें से 6-6 MLC देने का लोग करते थे, लेकिन हम मल्ला का बेटा है, ईमानदार है, भरोसे के साथ चलते हैं, हम किसी के पीठ में खंजर भोगने वाले नहीं है, जब समय आ जाएगा तो पीठ पे नहीं सीने पे खंजर मारूंगा मैं। हमारे लोगों को एहसास नहीं था इसलिए 1-2 टिकट पे समझौता कर लेते थे, आज हमारे पास एहसास है भाई, हमारे सहयोग के बगैर आपकी सरकार नहीं बनेगा, फिर हम क्यों आपके पीछे पीछे घूमे, आपको मुख्यमंत्री बनना है आपको प्रधानमंत्री बनना है आप हमारे पीछे घूमिए, उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी या निशा का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनना है, आपका मुख्यमंत्री बनना योगी जी को बनाना है और योगी जी को बनाना है तो आपको बलिदान देना है, आपको निषाद को आरक्षण देना है, निषाद की बात करना है, वहां पे भी हमारे समाज के नेता को 1-2 टिकट एमएलसी देकर उसको गुमराह कर दिया, तो खैर गुमराह होने वाले होंगे होते आए हैं आगे भी होंगे, लेकिन हमें ईमानदारी से काम करना है, संघर्ष करते रहना है और एक न एक दिन संघर्ष का हमें काम होगा, ये देश को आजादी कराने के लिए भी है ना 200 साल लगा, हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जैसे आज लड़ रहे हैं आने वाले हमारे पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा, हर एक लोगों को लड़ाई लड़ते रहना है,
लालू जी ने 15 साल राज किया, बिहार के गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ा चला, उनकी नीति में थोड़ा कमी आया, 15 साल से सत्ता से बाहर है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, फिर उनके विचारधारा, उनके काम करने का तौर तरीका अच्छा होंगे तो फिर सत्ता में आएंगे, जब तक उनके काम करने का तौर तरीका अच्छा नहीं होगा तब तक वो सत्ता से बाहर रहेंगे, अकेले खाएंगे अकेले बनेंगे तो फिर यही होगा। एक समय था डिप्टी सीएम नहीं दे रहे थे, बाद में ऐसा समय आया कि थाली में परोस के घूम रहा है कि डिप्टी सीएम बना देते हैं, तो खैर ये नीति पहले होना चाहिए। तो हम लोगों को काम करना है, बहुत सारे साथी का स्टार प्रचारक